एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ तक आने का, क्योंकि हर कोई नहीं आ पाता है। भैया को पता ही नहीं कि हम उससे भी ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। ऐसा फाइनली रामेश्वरम। थैंक यू ना, भूल गए थे जी। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्त, मेरा नाम सौतिक, वेलकम टू माई चैनल रियो सौतिक। तो भाई साहब वापस एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कल रात में यहाँ पे टेंट लगा था। ये वैसे एक बस स्टैंड है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तो बस स्टैंड को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बट यहाँ पे बस स्टैंड ही बोला जाता है। तो बाकी वैसे हम कल उस साइड से आए थे, उस साइड से उधर पे जाके कुछ खाना वाना खाए। खाना खाने के बाद फिर हमने एक राउंड मारा, देखा कि कहाँ पे हम सो सकते हैं। तो एक दो बस स्टैंड दिखी जो छोटा छोटा था, लेकिन ये बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आराम से लोग सो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लगा दिया अपना टेंट। अभी आज का प्लान है कि आज हमें जाना है रामेश्वरम की तरफ। तो रामेश्वरम का रास्ता देखो, वैसे यहाँ इस तरफ से आप जाओगे तो रामेश्वरम आपको मिलेगा, वो रास्ता है। तो यहाँ से रामेश्वरम ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर है। तो आज होप सो अगर ठीक से लिप लुक मिल गया तो आज पहुँच जाएंगे रामेश्वरम। तो अगर देख, क्योंकि मौसम भी देखो ख़राब है, मौसम बादल बादल किया हुआ है, मौसम ठीक नहीं है। कल बारिश हुई थी रात में और अभी भी रामेश्वरम का मौसम वही बारिश ही दिख रहा है मुझे। हमें लेकिन बहुत क्लियर वेदर चाहिए, बहुत अच्छा से देखना यार, क्योंकि इतने दूर से ऐसे करके आ रहे तो बनता है। तो यही है कि आज का प्लान है कि रामेश्वरम जाएंगे और रामेश्वरम को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ रहेंगे। भाई दो दिन तो रहना ही है कुछ भी करके। रामेश्वरम, रामेश्वरम स्ट्रेट। तो भाई साहब गाड़ी तो रुकी नहीं, वो फल वाला गाड़ी था तो लिफ्ट मांग रहे हैं। तो सुबह का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा गाड़ी अभी कम है, बढ़ेगी तो देखते हैं। ऑटो वोटो यार, ऑटो वाले आके एकदम गाड़ी रोक देते। भैया कहाँ जाना है बताओ, हम ले चलेंगे। भैया हमें ऑटो से थोड़ी जाना है, गाड़ियाँ आ रही हैं, देखते हैं। एक भैया रुके। भैया रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बाय लिफ्ट ओनली। हाँ बाय लिफ्ट ओनली, वी विल वी हैव टू कवर दिस बाय लिफ्ट। बहुत दूर से आ रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि बहुत दूर है, तो भैया को पता ही नहीं कि हम उससे भी ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। सही है, सही है। अन्ना हाउ मच फार यू गोइंग? अब रामेश्वर हिंदी हाँ हिंदी भाई, हम इधर से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर क्या हमें छोड़ देंगे? हम रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हाँ सीधे जाएगा, मतलब आप जहाँ पे घूम जाओगे वहाँ हमको छोड़ देगा। थैंक यू अन्ना, थैंक यू सो मच। बैग लेके आ रहा हूँ। तो भाई साहब लिफ्ट मिल चुकी है, चलो चलो भैया, लगभग वही 6-7 किलोमीटर तक छोड़ देंगे। तो अपना बाप रे बाप क्या भारी बैग है, अपना झोला लेके चलो भैया। हाँ ये कहाँ रखे बैग? बैग। अच्छा ठीक है। तो भैया चैनल देखो सर्च करा रहे हैं। कितना दिन पे इधर आएगा? 15 डे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। खाना अच्छा मिलेगा? हाँ खाना का, खाना हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा खाना। स्टिकर देखे है ना? बहुत लगे YouTube का स्टिकर देके रुकता है, लिफ्ट मांगते घूमते है ना, साइकिल पे आता है, साइकिल पैदल आता है। ठीक। तो भैया का सर्च करके दिया है, ये रहा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दिया। तो भैया आपका नाम क्या है? नवनीत कृष्णन। भैया बहुत स्वीट है, बहुत एकदम हंसमुख है। वाह वाह वाह। तो छोड़ रहे आप कितने किलोमीटर छोड़ोगे लगभग? हम इधर से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से हम लेफ्ट में जाएंगे। अच्छा अच्छा ओके, बाईपास में जाओ रामेश्वरम। ओके स्ट्रीट ना, स्ट्रीट और एक ही रोड है। हम जाएंगे रामेश्वरम के बाद तमिलनाडु घूमने के बाद जाएंगे केरला के बाद जाएंगे कर्नाटक। अच्छा कर्नाटक के बाद जाएंगे गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। अच्छा वेस्ट फ्रॉम ऐसे है, पहले उड़ीसा, पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, देन ये वाला पूरा एकदम रामेश्वरम से तिरुचेंदूर, तूतुकुड़ी, कन्याकुमारी होते जाएंगे, कन्याकुमारी ऐसे जाएंगे घूमते हुए। ओ भाई भैया भैया देखो वापिस आ रहे हैं, देखो वो बोर्ड हम भूल गए थे, गाड़ी में रह गया था बोर्ड।
थैंक यू ना भूल गए थे। तो भैया फिर वापस दिला दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से गाड़ियाँ रुक रही है ज्यादातर। अना भाई तो ये बाइक में हम आए हैं, और भैया ने पूछा कि चाय पियोगे ना कॉफी, तो पहले हमने मना किया, फिर हमने कहा कि चलो कॉफी पीते हैं। भैया व्हाट्स योर नेम? दिनेश। दिनेश, तो दिनेश भाई से मिल रहे हैं, दिनेश भाई हमको कॉफ़ी पिला रहे हैं और बहुत अच्छे हैं यार चाय भाई। मैं तो लाने गया था वहाँ तक, लेकिन भैया खुद वहाँ तक गया लेके आए। ये सब चीज़ देखता, मतलब ये एक्सपीरियंस करता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लगता है कि भाई हमारा देश में कितना अपनापन है, कितना कुछ है। अगर ये आप दूसरे देश जाओगे तो ऐसा शायद ही मिले, नहीं मिल सकता वैसा। तो भैया ने पानी भी दिया है और हमें चाय भी पिलाया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, रियली रियली लविंग तमिलनाडु, रियली गुड। तो भैया को हिंदी नहीं पता, इंग्लिश एंड तमिल ओनली। ओके, आई वांट टू लर्न तमिल फ्रॉम दिनेश भाई। क्यों दिनेश भाई, सिखाओगे तो? यू विल टीच मी ना? ओके या। तो भाई साहब हमें रुके हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, ऑलमोस्ट हम रुके थे आधा घंटा वेट किए थे, उसमें भैया मिल गए। भैया के साथ अभी जा रहे हैं एकदम डायरेक्टली तो रामेश्वरम भाई, इतना अच्छे लिफ्ट कहाँ मिलता है। रोड भी देखो कितना सुंदर रोड है, क्या ही गजब का रोड है देखो। तो भाई साहब उन भैया ने यहाँ पे रोक दिया, वो लेफ्ट चले गए, हम राइट आ रहे हैं, और यहाँ से रामेश्वरम और मान लो कुछ 45-50 किलोमीटर ऐसे ही होगा। तो देखते हैं इस रास्ते में गाड़ी मिली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिले। और वो दो भैया जो थे वो सुपर इंसान थे भाई, सुपर मज़ा आ गया उनके साथ आके। उन्होंने अभी हमको वड़ा खिलाया, चाय पिलाया। तो लोग हमेशा पूछ रहे साफ किया साफ किया साफ किया, मतलब आपने खाना खाया। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे पूछते हैं यहाँ पे, बहुत मतलब लोगों का बिहेवियर मुझको यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर से ये बहुत बड़ा कंटेनर है, ये जा रहे हैं पामंड ब्रिज जो रामेश्वरम का बहुत ही फेमस ब्रिज है, उसके समुद्र के बीच में जो ट्रेन चलती है जो ब्रिज में, उसी ब्रिज पे कुछ पाइप से वो लेके जा रहे हैं भैया, और उसी वाले गाड़ी मिल गए। तो यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर छोड़ देंगे। तो गाइस हमें नहाने के लिए एक जगह मिल गया, हमने बात किया और हमें ये देखो भैया ने वो खोल के भी रख दिया नल, यहाँ से खोला है, और ये भाई पानी ही पानी। भाई साहब फाइनली रामेश्वरम, लगभग लगभग अभी 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद दिवाली के दिन हम रामेश्वरम में। लुक एट दिस ब्रो। हाँ चल चल के पसीना पसीना हो गया, लेकिन फाइनली रामेश्वरम पहुँच ही गए। देखो सब अभी हम पहुँचे हैं लगभग 2:30 बजे। तो अभी क्या है कि अभी 2:30 बजे पहुँचे हैं, तो अभी मंदिर क्लोज है, 3:30 बजे मंदिर खुलेगी। तो यहाँ पे बगल में भैया का दुकान है, भैया आप लगेज सारा कुछ रखते हैं? और तो भैया प्राइस लेते हैं, दो बैग हमारे रखे हैं तो 100 रुपये लगा है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं अपना बैग। और वैसे 3:30 बजे के बाद ही एंट्री मिलती है, और कब तक रहती है खुला? कब तक खुला कब तक रहता है, मतलब क्लोज कब होता है? 8 o'clock। तो 8 बजे बंद होता है। तो हम सोच रहे कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, थोड़ा बीच की तरफ जाएंगे, बीच से घूम के फिर यहाँ जाएंगे, और भैया के पास फिर सामान लेके दूसरे कहीं जाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। वैसे भाई साहब मंदिर तो देखो भाई, ज़बरदस्त मंदिर है, बहुत सुंदर। हमें अभी रामेश्वरम मंदिर के अंदर, यहाँ पे थोड़ा पता नहीं अंदर में बहुत सारा चीज़ टूटा हुआ है। ये एक तालाब है और उस तरफ मंदिर है, मंदिर का बहुत सारा रास्ता जाता है, लेकिन वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है, जहाँ पे अलाउड है तो बस वहीं पे हम फोटोज वीडियोज ले रहे हैं। बाकी यहाँ अभी बारिश हो रही है, मौसम भी ख़राब है, और स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, बहुत लोग हैं यहाँ पे आसपास। तो यहाँ से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, वहाँ से और भी लोग हैं जो जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी दर्शन करके थोड़ी देर बैठे, सारा सामान ले लिए, वैसा देख के थोड़ी देर बैठे, बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई, अब देख रहे हैं कि रहने का जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पे रहें, क्योंकि भाई अपना तो टेंट जिंदाबाद है, तो जिंदाबाद करने के लिए हमें, फतेह हासिल करने के लिए हमें तो इसे कहीं ना कहीं तो गाड़ना पड़ेगा, तो गाड़ने का जगह ही ढूंढ रहे हैं हम। फिर चारों तरफ ये सीन है, यहाँ पे पानी हो रखा है। हेलो जी, तो मैं हूँ अभी रामेश्वरम मंदिर के ठीक आगे, और आज है दिवाली, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे लोग फटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज रामेश्वरम में हूँ और दिवाली को यहाँ पे विटनेस कर रहा हूँ। वैसे काफ़ी लोग फटाखे फोड़ रहे हैं उधर पे इस तरफ में, और इधर सीधे है सी जो समुद्र है यहाँ पे, और भाई साहब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हैप्पी दिवाली, जय श्री।
हम अभी जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। वैसे कल रात को जब थे रात में और चुपचाप सो गया क्योंकि बहुत ही डेंजरस बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसीलिए फिर ज़्यादा ब्लॉग व्लॉग कुछ बनाए नहीं। तो हम अभी जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, जाना है धनुषकोटी। और बाकी ये देखो सीन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। ये वैसे यहाँ पे तीन ना चार गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम गए थे नॉर्थ गेट की तरफ। यहाँ पे धनुषकोटी जाने का दो सिस्टम है, एक बस से जा सकते हैं, थोड़ा चीप होता है जिससे हम जाने वाले हैं, और दूसरा आप रेंटेड गाड़ियाँ भी कर सकते हैं। रेंटेड गाड़ियों में कुछ 1000-1200 रुपया ऐसे ले लेते हैं धनुषकोटी, और कुछ साइड्स इनको वो दिखवाते हैं। तो बाकी अभी चलो बस स्टैंड इस तरफ है, इस तरफ जाके बस स्टैंड देख के पता करते हैं कि कितना प्राइस है क्या है। हम लोग अभी इसी बस में आ चुके हैं, राम सेतु। ये राम सेतु है, देखो ये सीधे जाओगे तो श्रीलंका पड़ता है। और भाई साहब दिस इज रियल सिंबल ऑफ लव, इसी को इसी से होते हुए चले थे हमारे श्री राम जी श्रीलंका की तरफ। भाई साहब सीन देखो, गजब का सीन है। ओ देखो ये स्ट्रेट रोड से हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, और आगे भी जाएंगे, आगे देखते कहाँ तक जा सकते हैं। तो गाइस रेट यहाँ पे एज यूजुअल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, एक दिन दो दिन के लिए आने के लिए और देखते हैं जहाँ लास्ट तक कहाँ तक जा पड़ता है, वहीं तक जाएंगे और एक बार एक्सपीरियंस करेंगे राम से। बहुत बार इसको देखा हूँ मैप में कि एक टर्निंग टाइप का है, ये टर्निंग सच में एक टर्निंग है ये वाला, और इस तरफ है श्रीलंका। बाकी इंसान यहाँ तक ही जा सकते हैं, तो मैं यहाँ तक ही जा पाऊँगा, उससे आगे तो सोचा था कि शायद थोड़ा आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो कोई विकल्प ही नहीं। मतलब आए कुछ बाइक से आए, कुछ कार से रेंट करते, वैसे वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, वहाँ पे नहाने का थोड़ा सिस्टम बीच टाइप का थोड़ा बना हुआ है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ तक आने का भी, क्योंकि हर कोई नहीं आ पाता। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ आ पाया, राम सेतु फिर धनुषकोटी इसको देख पाया, कि यही रियल सिंबल है लव का। यहीं से श्री राम गए थे, तो जैसे वहाँ पे छोटा सा एक हाईलैंड टाइप पे दिखा रहे हैं, वहीं से सीधा रास्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पानी पानी है, ये डूब गया है, आगे और भी थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। यहाँ आने का भाई अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा तो मन करे तो मैं यहाँ से तैरते हुए चला जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकते, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है अभी। और क्या फीलिंग है, मैं हूँ अबाउट यहाँ से श्रीलंका कुछ 20-22 किलोमीटर ही दूर है। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, वरना यहाँ से दिखता है, लोग बोल रहे थे कि यहाँ से दिखता है, दुकान वाले हैं आस पास के वो बोल रहे हैं यहाँ से दिखता है। तो ये है सीन यहाँ का, काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जय श्री राम।